विश्व दलित परिषद के बैनर तले महानगर मुरादाबाद के मोटरसाइकिल जुगाड़ वाहन चालकों ने पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को पेश किया, जिसमें कहा गया कि मुरादाबाद में बेरोजगार और गरीब लोगों ने अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मजदूरी के लिए उधार कर्ज लेकर और घर के कीमती सामान बेचकर मोटरसाइकिल जुगाड़ बनाकर माल ढोने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि शहर मुरादाबाद में कई ऊंचे ऊंचे पुल हैं जिन पर पैंडल रिक्शे से माल ढोना संभव नहीं है, क्योंकि पैंडल रिक्शे से माल ढोते समय कई लोगों की दिल का दौरा पड़कर मौत हो चुकी है। आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन द्वारा इन मोटरसाइकिल जुगाड़ वाहनों को जबरदस्ती पकड़कर छीन लिया जाता है और उन्हें कबाड़ियों को बेच दिया जाता है। इस तरह पुलिस इन गरीब लोगों के रोजगार छीन रही है। रोजगार छीने जाने से इन गरीब व्यक्तियों के परिवार में आर्थिक तंगी हो रही है, परिवार भुखमरी की कगार पर है। मोटरसाइकिल जुगाड़ वाहन चालक शांतिपूर्ण तरीके से माल ढोने का काम करते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। मुरादाबाद पीतल का कारोबार बड़े और छोटे स्तर पर होता है। पतली पतली गलियों में भी पीतल का कारोबार होने के कारण ये वाहन इन गलियों में आसानी से माल ढो लेते हैं, जबकि बड़े वाहनों के वहां जाने पर काफी परेशानी होती है, माल ढोना संभव नहीं हो पाता। ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई गई कि पुलिस उत्पीड़न बंद किया जाए, गरीब परिवारों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाए और चिकित्सा का भी प्रबंध किया जाए। हमने एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को जिलाधिकारी मुरादाबाद के माध्यम से दिया, क्योंकि मुरादाबाद में गरीबों ने अपनी रोजगार के लिए अपने बीवी बच्चों के जेवर बेचे, कर्ज लिया और मोटरसाइकिल जुगाड़ बना दिए, जिससे अपने माल ढोकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। यहाँ की जो इतनी मक्कार है, उसे अपनी जो वेतन मिलता है उस पर उसका पेट नहीं पलता, वो इन गरीबों पर टैक्स लगाना चाहती है और ये टैक्स नहीं दे रहे हैं तो इनके जुगाड़ बंद कर रही है। हमारी आज मुख्यमंत्री से ये मांग है कि ये जुगाड़ चलने दिए जाएं, पुलिस पर इनका अत्याचार रोका जाए और जो जुगाड़ बंद कर दिए हैं उनको खुलवाया जाए, इनको वापस दिलाया जाए और इनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे उनको निःशुल्क शिक्षा दिलाई जाए, चिकित्सा की सुविधा कराई जाए, ये हमारी। साथ ही इस मौके पर जमील अहमद, मोहम्मद फहीम, राधेश्याम, प्रेमपाल सिंह, शमशाद अजीम आदि लोग मौजूद रहे।